वेलकम टू रेसलिंग चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोमन रिंग्स के बारे में, मतलब बात करने वाले हैं कि यहाँ पर रोमन रिंग्स ने किसको चूज किया है अपना अपोनेंट जो वो फेस करना चाहते हैं WrestleMania 36 में। और हम बात करने वाले हैं जॉन सीना के बारे में कि यहाँ पर जॉन सीना की वापसी को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई है और ये वापसी होगी SmackDown लाइव में। तो यहाँ पर कौन सी बड़ी अपडेट आई है इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रोमन रिंग्स के बारे में कि यहाँ पर रोमन रिंग्स ने क्या कहा अपने WrestleMania 36 के अपोनेंट को लेकर। तो ऐसे कि हम सबको पता है कि यहाँ पर WrestleMania 36 का ऑफिशियल लोगो आ चुका है और ये दिखता है कुछ इस तरह। तो यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर रोमन रिंग्स भी आए थे और यहाँ पर रोमन रिंग्स के सामने सवाल आता है कि आप किसको फेस करना चाहते हैं WrestleMania 36 में, मतलब आप किसको चाहते हैं कि कौन हो आपका अपोनेंट WrestleMania 36। तो यहाँ पर रोमन रिंग्स कहते हैं कि मैं यहाँ पर किसी से नहीं डरता, लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हो स्पेशली एक नाम तो मैं यहाँ पर लूंगा सेथ रॉलिंस का, कि यहाँ पर मैं फेस करना चाहता हूँ अपने भाई सेथ रॉलिंस को WrestleMania 36 में, क्योंकि यहाँ पर सेथ रॉलिंस के साथ हमेशा काम करने में बहुत ही मजा आता है और वो एक तरह से बहुत ही वंडरफुल स्पोर्ट्स एथलीट है। तो यहाँ पर ये सब बातें कि यहाँ पर रोमन रिंग्स ने सेथ रॉलिंस के ऊपर कि वो फेस करना चाहते हैं सेथ रॉलिंस को WrestleMania 36 में। तो और हम बात करने वाले हैं जॉन सीना के SmackDown लाइव के रिटर्न को लेकर। तो ऐसे कि हम सबको पता है कि यहाँ पर जॉन सीना अभी चल रहे हैं WWE से बाहर, लेकिन यहाँ पर रूमर्स का ये मानना है कि उनकी वापसी हो जाएगी इसी महीने से पहले। और तो यहाँ पर लेटेस्ट रिपोर्ट्स का ये मानना है कि यहाँ पर जॉन सीना वापसी करेंगे SmackDown लाइव में। तो ऐसे कि हम सबको पता है कि यहाँ पर न्यू यूनाइटेड शेयर चैंपियन बन चुके हैं समोआ जो। जी हाँ, यहाँ पर समोआ जो बन चुके हैं न्यू यूनाइटेड शेयर चैंपियन। और यहाँ पर जब से यहाँ पर समोआ जो जीत हुई है तब से यहाँ पर बहुत ही तगड़े वाले रूमर्स आने लगे हैं कि यहाँ पर WWE प्लान कर रही है समोआ जो वर्सेस जॉन सीना का मैच। और ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर जॉन सीना और समोआ जो का मैच एक तरह से बहुत ही बड़ा ड्रीम मैच है। जी हाँ, यहाँ पर ये ड्रीम मैच बहुत ही सालों से चला आ रहा है। और इन शॉर्ट यहाँ पर रूमर्स का ये मानना है कि WWE यहाँ पर ये मैच प्लान कर रही है। तो अगर WWE यहाँ पर ये मैच सच में प्लान कर रही है तो यहाँ पर हमें जॉन सीना की वापसी देखने को मिल जाएगी SmackDown लाइव में, क्योंकि यहाँ पर WrestleMania को बहुत ही कम टाइम बचा है। जी हाँ, ऑलमोस्ट 4 या 5 हफ्ते बचे हैं, इसका मतलब 4 या 5 एपिसोड ही बचे हैं SmackDown लाइव के WrestleMania से पहले। तो यहाँ पर इन शॉर्ट अगर WWE यहाँ पर सोच रही है जॉन सीना की फ्यूड समोआ जो के साथ, तो इसके बहुत चांसेस हैं कि यहाँ पर हमें जॉन सीना की वापसी देखने को मिल जाएगी SmackDown लाइव में फॉर यूनाइटेड शेयर चैंपियनशिप। और ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पर WWE बहुत ही जल्दी लेकर आएगी जॉन सीना को इस फ्यूड में, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बहुत ही कम टाइम बचा है WrestleMania से। और WWE ये भी चाहेगी कि जितनी जल्दी ये फ्यूड शुरू हो उतना ही अच्छा है WWE के लिए, क्योंकि तो उस टाइम में इस फ्यूड को थोड़ी हीट भी दे सकते हैं और इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में अच्छे अच्छे प्रोमोस भी देखने को मिल सकते हैं। मतलब कहने की बात है कि अगर यहाँ पर WWE सोच रही है सच में इस मैच को करवाना, तो यहाँ पर हमें जॉन सीना की वापसी बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी SmackDown लाइव में। बहुत ही जल्द मतलब अगले हफ्ते या फिर उससे अगले हफ्ते वाली SmackDown लाइव के एपिसोड में। तो हमें कमेंट करके बताएगी आपको वीडियो कैसी लगी और बताएगी आप किसको देखना चाहते हैं रोमन रिंग्स का अपोनेंट WrestleMania 36। तो ये थी आज की वीडियो, अच्छी लाइक करें और WWE की लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, उस बेल आइकन को भी दबा दें।